आप सबको स्वागत है। आज परमपिता परमात्मा 12 जून के ईश्वर वचन में कहते हैं कि प्राप्तियों की इच्छा ना रख करके सेवा करना वो सच्ची सेवा है। और कितनी प्रकार की प्राप्तियां होती है उसको भी थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि हमें क्या घाटा हो जाता है अगर हम कुछ कर्म करते हैं और उसके प्रति हम चाहते हैं कि कोई हमें कुछ बोले, हमारे कुछ सराहना करें, हमें कुछ दे रिटर्न में, क्या घाटा होता है वो हम देखेंगे। तो परमात्मा शब्द में कहते हैं आज के वरदान में, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या, बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी, कोई कामना ना रखने वाले। इच्छा से इच्छा मात्रम अविद्या मतलब कि एक तो हुआ आपको कोई सेवा के लिए बुलाया किसी ने, किसी भी प्रकार की सेवा, समाज सेवा हो चाहे स्पिरिचुअल सेवा हो, चाहे घर में कोई आपने किसी को बोला, किसी ने बोला कि थोड़ा हेल्प कर दो मुझे, वो भी एक सेवा हो गई और आपने वो किया। और जब जैसे आपको किया भी नहीं, आपको जैसे वो सेवा के लिए बुलाया गया, आपने सोचा इससे मुझे फायदा क्या होगा, मैं इसके लिए ये करूँ तो मेरे को ये मिलेगा, मैं इसके लिए वो करूँ तो मेरे को ये मिलेगा, इसलिए करना जरूरी नहीं है, ये सोचना भी नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। आपको विद्या ही नहीं है कि इच्छा भी होनी चाहिए, कि इच्छा भी कोई चीज होती है उसकी आपको विद्या ही नहीं है आपको, क्योंकि आप ले रहे हो उनसे और उन्हीं का लिया हुआ और उसे शेयर कर रहे हो, आप अपना कुछ नहीं दे रहे हो। जब हम सोचते हैं कि मैंने दिया तो फिर वहां इच्छाएं आ जाती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो निष्काम सेवाधारी हैं उनके सामने सर्व प्राप्तियां स्वतः आती हैं, क्योंकि निष्काम सेवा करते हैं सब लोग उनकी महिमा करते हैं, सब लोग उनको कुछ गिफ्ट देते हैं, सब लोग उनकी सराहना करते हैं, सब लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, सब लोग उनको दुआएं भी देते हैं, लेकिन प्राप्ति आपके आगे भल आए, ये सारी चीजें आपके सामने आए, महिमा करे लोग आपकी, यार कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा काम करते हो, कितना अच्छा किया आपने, आपके बिना मेरा घर के कुछ नहीं हो सकता था, आपने मुझे हेल्प करी और इस कारण से मेरे जीवन में सब कुछ आया। आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो, चाहे कोई महिमा करे आप न्यूट्रल, चाहे कोई आपको कोई गिफ्ट दे आप नहीं ले रहे हैं, है ना। आप उनको टर्न अराउंड कर सकते, कैसे, बस हमने जो लेन देन किया है वो तो परमात्मा का दिया हुआ, तो आपको दिया है मैंने, वो तो आपका हक है लेने का, आप उसके एक्सचेंज में मुझे कुछ दे नहीं सकते हो, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है जो आपके साथ में शेयर हुआ है। और अगर आपने कोई सेवा करी है तो वो भी कह सकते हो कि परमात्मा ने मुझे गुण दिए जिसके द्वारा मैंने सेवा करी है, तो आप परमात्मा को दो, है ना, परमात्मा को आप याद करो, यही उनको देना हो गया, परमात्मा के साथ जुड़ो, यही उनको देना हो गया, आप इतना कर दो बस मेरे लिए, है ना, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, मेरी कोई महिमा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जब भी आपको लगे कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आप किसको याद करो, उसको जिसने मुझे ऐसा बनाया, बस ये तरीका युक्ति है। अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कमी महसूस होगी, और यही होता है इंसान को कि जब भी वो कुछ करता है किसी के लिए, चाहे फैमिली में करे, चाहे किसी गवर्नमेंट के लिए करे, चाहे कहीं भी करे, वो चाहे समाज के लिए करे, चाहे इसी ब्रह्म कुमारी जिसमें स्पिरिचुअल सेवा करे, अगर वो प्राप्तियों की इच्छा रखता है तो उसको हमेशा अंदर फील होता है मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को नहीं बुलाया गया, मेरे लिए महिमा नहीं करी, मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला, और वहीं पर इंसान के अंदर की भावनाएं खत्म होनी, खराब होनी, इम्प्योर होनी शुरू होती है। यही रावण का तरीका है आपको सत्य मार्ग से हटा देने का। सदा अपने को खाली समझेंगे, वो कैसा फील करेंगे, खाली फील करेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा हो भी ना कि मैं इसकी सेवा करूं तो मुझे ये फायदा हो, मैं इसके लिए ये काम करूं तो मुझे ये फायदा मिले, ये सोचना भी अगर आ रहा है तो वो सेवा नहीं करो तो बेटर है। बन सर्व प्रतियों सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो, इच्छा मात्र मात्रम अविद्यापन, इच्छा मात्रम अविद्यापन, सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशियां प्राप्तियां, अविनाशी गिफ्ट विफ्ट जो हो गए वो सारी क्या है, अविनाशी है, परमात्मा के द्वारा हमें शक्ति मिल रही है, पवित्रता मिल रही है, हमें खुशी मिल रही है, हमें प्रेम मिल रहा है, हमें शांति मिल रही है, हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें आनंद मिल रहा है, यही अविनाशी प्राप्तियां हैं। और अगर कुछ आपको कोई लोग कुछ देने की कोशिश करते हैं, बोले बस आपकी दुआएं ही काफी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और आप परमात्मा को याद करिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ये उनसे मांग लीजिए जिसमें कि उनका ही भला है। उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होंगी। भूले कहाँ होती हैं, जब हम परमात्मा से ना लेने की इच्छा करते हैं, हम इंसान से लेने की इच्छा करते हैं, तभी हमारे में वैर आता है, तभी हमारे में डिस्कम्फर्ट आता है, तभी हमारे में आता है कि मैंने इतना किया उसने क्या किया। अरे परमात्मा से लो ना, और उनको जो दे रहे हो परमात्मा से लेके दे रहे हो, हमने कब किसके लिए कुछ किया, हमने, यह अभिमान है सूक्ष्म, इससे बचने के लिए और सदा संतुष्ट रहने अगर आप चाहते हो तो इससे बचो, इस अभिमान से बचो कि मैंने किस लिए कुछ किया है, नहीं तो आप कभी जीवन में संतुष्ट नहीं रहोगे। और आप जब संतुष्ट नहीं रहोगे आपके अंदर लोभ जागृत होता रहेगा, उथल खाएगा सागर, तूफान जैसा लोभ आएगा,
तूफान जैसे आपके अंदर डिसटिस्फैक्शन असंतुष्ट आएगी, तो अपने आप को बचाओ इन चीज़ों से। आज का वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचिएगा इसके बारे में गहराई से, अपने लाइफ को देखिए। ओम शांति।